हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स इन चैप्टर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, दैट इज लोकेशन, एनर्जी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप एंड ऑरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि क्वांटम नंबर्स जो है वो किसी भी क्वांटम नंबर्स जो है वो 4 नंबर्स का वो एक सेट होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को बता सकते हैं, उसकी एनर्जी क्या है उसको बता सकते हैं, ऑर्बिटल्स किस टाइप्स की है, ठीक है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है और उसका ऑरिएंटेशन क्या है। इन चीज़ों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो 4 क्वांटम नंबर से मिलती है, और उन 4 क्वांटम नंबर्स के सेट को ही हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर विच टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एन। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स क्या करती है? ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में या उसके नंबर ऑफ शेल के बारे में बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के अंदर के में प्रेजेंट है, एल में है, एम है या एन में है, या वो उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसका लो एनर्जी लेवल है या उसका हाई एनर्जी लेवल है। ठीक है, इट हैव एनी इंटरगल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ये कोई भी इंटरगल वैल्यू होती है इसकी 1, 2, 3 या 4, लेकिन ये इसकी वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं होती है। सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन एनी मेन शेल एंड द शेप ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या सब शेल। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एल। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है वो हमें किसी भी सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल के बारे में बताती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक आपने केवल सब शेल के बारे में सुना है, लेकिन शेल्स के अंदर भी आपके सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सब शेल्स के अंदर आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपके शेल के बारे में बताती है और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है वो आपके सब शेल के बारे में बताती है। ठीक है, तो द सब शेल, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एन, ये हम इसको स्मॉल लेटर एल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन की किसी भी वैल्यू के लिए, एल की जो हमारी वैल्यू आती है वो 0 से n-1 तक आती है। लाइक दैट, अगर आपके एन इज इक्वल टू 1 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी? आपकी 0 आएगी। अगर आपके एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू आपकी 0 और 1 आएगी, यानी कि 2 होनी चाहिए। अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, और 2 वैल्यू भी कैसे आएंगी आपकी? 0 और 1। अगर आपके एन इज इक्वल टू 3 है तो एल की वैल्यू आपकी 1 0 हो गई है, 1 1 है और 1 आपकी 2 है। एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल इज इक्वल टू 0 1 2 3, जहाँ 0 जो है वो एस को रिप्रेजेंट करता है, एस सब शेल को, 1 जो है वो पी सब शेल को डिनोट करता है, 2 जो है वो डी सब शेल को डिनोट करता है, और 3 का मतलब है एफ। ठीक है, यानी कि अगर एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 4 में, यानी कि एन इज इक्वल टू 4 में, यानी कि जो आपका लास्ट का एनर्जी लेवल है कौन कौन से होते हैं आपके? के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। ठीक है, तो के में आपकी केवल एक ही सब शेल एस प्रेजेंट होती है, एल में आपकी एस और पी होती है, एम की बात करें तो यहाँ एस पी और डी होती है, और एन की बात करते हैं तो हम यहाँ एस पी डी और एफ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही दिखाया गया है कि एन इज इक्वल टू 4 में के लिए जो आपकी एल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो 0 का मतलब है एस भी प्रेजेंट है आपकी, 1 मतलब पी भी प्रेजेंट है, 2 मतलब कि डी भी प्रेजेंट है, और 3 का मतलब है कि एफ भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ऊपर जो था, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू केवल 0 थी, तो इसका मतलब इसमें केवल आपकी एक ही सब शेल कौन सी? s प्रेजेंट है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 था तो 2 के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0 और 1, इसका मतलब क्या था कि s के साथ साथ p आपका प्रेजेंट है।
एन इज इक्वल टू 3 था तो क्या था, एल की वैल्यू आपकी थी 0, 1 और 2, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एस, पी और डी प्रेजेंट है। और एन इज इक्वल टू 4 के लिए आपकी एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आई थी, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एस, पी, डी और एफ प्रेजेंट है। ठीक है, दिस नंबर आल्सो डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इस मोमेंटम यानी कि इस नंबर की हेल्प से, इस क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है एल इजिकल टू रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ओके, थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स किसी भी सबशेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि किसी भी शेल में, किसी भी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट हैं। तो इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच ऑर्बिटल्स। ओके, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। ठीक है, यानी कि किसी भी m की वैल्यू के लिए, l की वैल्यू के लिए अगर आपकी l इज इक्वल टू 1 है तो m की जो वैल्यू है वो माइनस 1 से प्लस 1 तक होगी इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो l इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम m की वैल्यू निकालने लगे तो माइनस 1, 0 और प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर क्या है, माइनस एल टू पॉजिटिव एल प्लस एल है। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। दस फोर एल इजिकल टू अगर 0 है तो m की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 ही आएगी। l इजिकल टू अगर 1 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एल 0 प्लस है प्लस 1। ठीक, इसके बाद अगर l इजिकल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। l इजिकल टू 3 है तो m की वैल्यू आपकी माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3 आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इट टेल्स अबाउट द स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स जो क्वांटम नंबर्स है वो हमें ये स्पिन क्वांटम नंबर्स हमें ये बताती है कि किसी भी ऑर्बिटल से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं एस से या एम से। ठीक है, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एम, एम की किसी भी वैल्यू के लिए एस की हमारी 2 वैल्यू होती हैं और वो कौन कौन सी हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इट हेल्प टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। इसी की वजह से हम यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की ही वजह से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी एटम्स जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक में आपकी एस की वैल्यू केवल एक ही आएगी, या तो वो पॉजिटिव हाफ होगी या आपकी वो निगेटिव हाफ होगी। लेकिन अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर एस की वैल्यू आपकी 2 होंगी, पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी होगी। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, व्हाट पॉसिबल वैल्यू फॉर द क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s की निकालनी है। अब स्टूडेंट्स 4f के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो आपका 4f लिखा हुआ है ना, तो ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट करता है n को, इससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो f है ये क्या है, सबशेल, तो ये रिप्रेजेंट करता है l को। ठीक है, तो यानी कि n और l तो आपको पता है, m की वैल्यू आपको निकालना है। तो 4f के लिए यानी कि आपको क्या करना है, 4f के लिए पूछा है ना, तो इसके लिए n की वैल्यू तो आ गई है क्या, 4, ये पता है हमारा। और n इजिकल टू 4 के लिए l की कितनी वैल्यू आएंगी, 0, 1, 2 और 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, f है, तो यहाँ पर s जो है वो 0 जो है वो s को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को रिप्रेजेंट करता है, 2 d को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो है वो f को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो f के लिए निकालनी है, तो यानी कि m की वैल्यू जो है वो कहाँ से लेंगे, हम 3 से लेंगे, तो माइनस 3, 2, प्लस 3 तक लेंगे इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी, यहाँ पर आ गई। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल हैं सब में, क्योंकि इसमें आपके s में आपका केवल एक ही ऑर्बिटल बनता है, p में आपके 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, d में आपके 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, और f में आपके कितने बनते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, अब
एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पी में आपके कितने रहते हैं, जो आपका एस होता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में आपके मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एफ़ में मैक्सिमम आपके कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में आपके जो मैक्सिमम हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो जब आपके यहाँ पर कितने बन गए हैं, 1, 2, 3, एफ में कितने होंगे, एफ में आपके होंगे कितने, 7 होंगे, तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं आपके, 14 रह सकते हैं। तो दैट इज़ एस की वैल्यू जो है वो ईच ऑर्बिटल्स के लिए आपकी आ जाएगी प्लस माइनस हाफ, ठीक है, प्लस माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉली रूल्स क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉली, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि किसी भी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो आपकी सेम नहीं हो सकती। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू में से आपकी एक ना एक डिफरेंट जरूर होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल 3s2 ऑर्बिटल्स के लिए, तो 3s2 ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालो, पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 012 है, m की वैल्यू 0 है, और s की वैल्यू आपकी हाफ है। क्योंकि हाफ क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू प्लस हाफ आती है। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई, l की वैल्यू 012 आ गई है, m की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन s की वैल्यू क्या आई है, माइनस हाफ आई है। तो स्टूडेंट यहाँ आकर देखो, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, l और m, इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है, बट s की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स फॉर m, यहाँ पर 2 हैं आपकी, n ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, और दोनों की स्पिनिंग आपकी अपोजिट होनी चाहिए, एक आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट है आपका हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन PDF ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर्स अंटिल ईच ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन सबशेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच और इज सिंगली ऑक्यूपाइड। हुंस रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, किसी भी ऑर्बिटल्स मतलब एस पी की ऑर्बिटल्स हो, डी की हो या एफ की हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इनकी सारी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ना चला जाए। और नेक्स्ट हम इसको इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर्स इन एनी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल अंटिल ईच ऑफ देम इज सिंगली ऑक्यूपाई, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, द एलिमेंट नाइट्रोजन विच कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटेन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p3 लिखा जाता है SPD वाले में, ये अभी हम आगे सिखाएंगे कैसे आया। तो यहाँ पर s में एक ही ऑर्बिटल बनी, 2 में भी आपकी s है तो एक ही ऑर्बिटल बनी, लेकिन यहाँ पर p है, p में मैक्सिमम ऑर्बिटल आपकी 3 रहती हैं। तो स्टूडेंट देखो, s में एक ही ऑर्बिटल है तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरा एंटर कर जाएगा, यहाँ पर भी s में 2 एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपका 3rd इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 4th चला जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं p की, तो p में आपकी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, इन p में, इन 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि 1, 2, 3 तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ना चला जाए। देखो, हम इसको ऐसे भी फिल कर सकते थे कि जैसे 1 और 2, 3 और 4, बट ये गलत है, हम इसको इस तरीके से फिल करेंगे 1, 2, 3, ये आपका राइट है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वाला राइट किया है जबकि आपका नीचे वाला जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी एटम्स की शेल, उसमें प्रेजेंट सब शेल और उसमें प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग्स होती है, वो ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल्स कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन NLX, जहाँ पर N क्या है, आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, L आपकी शेल है और X आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो N नंबर ऑफ द मेन प्रिंसिपल शेल,
एल सिंबल ऑफ द सबशेल या ऑर्बिटल्स, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब इसी के ऊपर क्या है कि हम किसी भी शेल सबशेल या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, ये हमें बताता है अव्वारो प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बताता है अव्वा प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, देखो, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू दैम एंड एंटर इन टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड। ठीक है, ये बोलता है कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। जब लो एनर्जी वाले की ऑर्बिटल सारी कंप्लीट हो जाएंगी तब वो आपकी हायर एनर्जी लेवल में जाना स्टार्ट करेंगे। ये इसका एक फ्लो चार्ट है जो आपको बनाना है। तो ये देखो, ये एरो से स्टार्ट कर रहा है कि पहले ये 1s में जाएगा, फिर उसके बाद ये कहाँ है एरो इसका, ऐसे घूम कर आया है, देखो अब ये 2s में जाएगा, 2s के बाद अब ये 2p में, 2p के बाद ये 3s में, और 3s के बाद ये 3p में, 3p के बाद 4s में, और 4s के बाद अब ये आता है 3d में। तो इसी ऑर्डर में आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल मैक्सिमम, एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 से इलेक्ट्रॉन्स आप फिल नहीं करेंगे, पी में आपके 6 रहेंगे, डी में आपका 10 रहेगा, और एफ में आपका 14 रहेगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं, अब यहाँ पर इनका ऑर्डर लिखा गया है, सबसे पहले लो एनर्जी किसकी है, 1 की, 1 के बाद 2s आया, उसके बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। ठीक है, इसी तरीके से आप भरेंगे। अब स्टूडेंट, ये आपको सारी ऑर्बिटल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें उतनी ही आप सबशेल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में ही जाएगा, और ऐसे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बन जाता है आपका 1s1। हीलियम, हीलियम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो आपका 1s2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस तरह से लिथियम है, लिथियम का क्या बनेगा, 1s2 और 2p1। बेरिलियम का आपका क्या बनेगा, 1s2 और 2s2, 4 हो गए टोटल। बोरोन का आपका क्या बनेगा, बोरोन का बनेगा आपका 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, इसी तरह आपका कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p2। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे आपकी सबशेल्स भी बढ़ती चली जाएंगी। बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि एस में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल करेंगे, पी में आप 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ तक तो यही करना है, इससे ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी कोई प्रॉब्लम है आपको, वो हम क्लास टाइम में डिस्कस करेंगे।